हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जानेंगे कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ मीन टू रीच यू राइट नाउ। ओके, तो वो क्या हो सकता है, किस एरिया से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, क्यों आपको जानने की ज़रूरत है, क्यों ये आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देर करे। लेकिन गाइस, फिर भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो अगर आप यहाँ किसी भी टाइम पहुँच रहे हैं, आराम से ये रीडिंग देखिए, हो सकता है कि आपकी हेल्प हो जाए। लेकिन आपको डिटेल में अगर कुछ चीज़ें जाननी हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो उसका भी ऑप्शन है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप मेरे को DM कर सकते हैं कि आपको रीडिंग बुक करवाना है। प्राइजेज और डिटेल मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से पढ़कर आप रीडिंग बुक करवा लें, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर अपनी रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स, लवर्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। एंड यहाँ से है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स आ गए आपके लिए, इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ओके, आई होप कि सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर गाइज, आपके लिए जो मैसेज आया है, ये बेसिकली मैं देख रही हूँ जो लव लाइफ है, जिनके जिनके लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, उनके लिए आया है। ओके, तो ज़्यादातर लोग आप जो यहाँ पर रीडिंग, इस क्वेश्चन का आंसर या कोई मैसेज अगर आप तक पहुँचने वाला है, वो ये है, जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपकी लव लाइफ में चल रहा है काफ़ी डिले, और इस डिले को देखते देखते आपने चीज़ें कर दी है सरेंडर, ठीक है? डिले आपकी लव लाइफ में है, आपकी लाइफ स्टक हो गई है लव लाइफ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके भी साथ, किसी के भी साथ अगर आप पूछने आए हो यहाँ पर या जानने आए हो क्या रहा है एग्जैक्ट, तो वो चीज़ ये हो रही है कि देखो, आपके पर्सन इस टाइम यूनिवर्स के कंट्रोल में हैं। लाइक, वो अपनी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं या अपनी लाइफ के हार्डशिप्स को देख रहे हैं, स्ट्रगल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो पूरा का पूरा एक तरीके से यूनिवर्स के कंट्रोल में है, और कुछ इसी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, या चाहते नहीं हैं बातों को समझना। वाई? बिकॉज डिले है, और ये डिले भी इस वजह से है बिकॉज़ ये पर्सन यूनिवर्स के कंट्रोल में है।
अब कंट्रोल में ये भी हो सकता है कि पर्सन अपने पास्ट कर्मों को फेस कर रहे हैं, तो जब तक ये रिलीज़ होकर नहीं आएंगे, चीज़ों को रिलीज़ करके नहीं आएंगे, आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। पहले आप तो मैसेज अपना यही जान लो, आप इसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। फोर ऑफ ये लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक लवर्स के कनेक्शन में, ट्रू कनेक्शन में हैं, और इसमें इस कनेक्शन को पाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है। आपने चीज़ों को सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन फिर भी आप अपनी ग्रोथ, अपनी पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, जो कि एक पॉजिटिव साइन है आपकी हीलिंग के लिए। बट स्टिल आप थोड़ा हर्ट हो जाते हो, रोते हो, परेशान होते हो, तो ये चीज़ें भी हो रही हैं आपके साथ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। अकेडमिक्स पर, अपने करियर पर जितना फोकस बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो फोकस रखिए कि आप अच्छे से अपने करियर पर फोकस करें इस टाइम, और अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस करें, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है वो हो रहा है थोड़ा अगेंस्ट, और चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। वेट अ सेकेंड, या सेल्फ रिस्पेक्ट, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, कनेक्शन, ल्यूमिनोसिटी, मैच्योरिटी, वर्थीनेस। यहाँ से देखो डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का, इट मींस कि अभी का जो करंट सिनेरियो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, अपने कनेक्शन को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने हार्ट स्ट्रगल को लेकर, हार्डशिप्स को लेकर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ये जो चीज़ें आप जिसमें फंस रहे हो, ट्रैप हो रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनफ मैच्योरिटी होना चाहिए कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उनको कैसे हैंडल करना ये हमारे ऊपर है। हम कैसे अपने सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कैसे अपने चैलेंजेस से डील कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। आप कैसे एक्शन ले रहे हो और चीज़ों को रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, तो अगर पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे तो इस सिचुएशन में नहीं आओगे। सबसे पहली बात तो ये है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट मैटर करता है। जहाँ आपको लगता है कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है या नहीं मिल रही है आपको, तो वहाँ आपको उस टाइम नहीं रुकना है। इस टाइम डिवाइन चाहते हैं कि आप कुछ और डायरेक्शंस फॉलो करो, आगे बढ़ो, कुछ नया चीज़ सीखने की ट्राई करो, अपनी ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में रहने का पूरा ट्राई करो ऑल द टाइम। आई नो ये इतना मुश्किल हो सकता है कि ऑल द टाइम हम एक जैसे सिचुएशन में नहीं रह पाएंगे, बट मैक्सिमम यू हैव टू बी इन दिस पोजिशन, इन दिस एनर्जी टू मैनिफेस्ट समथिंग प्रॉपरली। ओके, इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, बिकॉज यू हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर पार्टनर, दैट इज़ वाई यू हैव लवर्स कनेक्शन। ठीक है, आप एक लवर्स के कनेक्शन में हो, सो अपनी वर्थ, अपने पैशन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करो। इफ़ यू हैव ट्रू हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, देन यू विल गेट दिस कनेक्शन प्रॉपरली। ठीक है, आप एक हार्मनी स्टेज में आ सकते हो अपने पर्सन के साथ, तो थोड़ा सा मैनिफेस्ट अच्छे से करो, और आपकी लव लाइफ आपके हाथ में है बहुत हद तक। कंट्रोल आपका खुद की लाइफ पर होना चाहिए, तो चीज़ें जो आप मांग रहे हो वो आपके पास आएगी। ठीक है, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, इन चीज़ों पर काम कीजिए, देन आपको रिजल्ट भी मिलेगा। राइट नाउ यू आर इन दिस आइसोलेशन फेज, बट दिस फेज इज़ गुड फॉर योर हीलिंग प्रोसेस। फोकस ऑन योर ग्रोथ, जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ एंड यू विल सी सम चेंजेस इन द नियर फ्यूचर। वर्कहॉलिक, डू योर वर्क, ठीक है, फाइंड योर ट्रू हैप्पीनेस, और इस कन्फ्यूजन से दूर निकलने की कोशिश करो।
जितना ज़्यादा काम करोगे खुद पर, काम भी कैसे करोगे? किसी चीज़ में उलझे हुए हो तो वहाँ से निकलने का रास्ता खोजो, ठीक है? ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। तो जितना पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे, उतने ज़्यादा रास्ते आपको मिलते जाएंगे। इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज फॉर योर लव लाइफ, और आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज़, बाय, टेक केयर।